भोपाल से खबर, जहां खरगोन दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। 16 विद्युत उप केंद्रों का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे। झरंडिया से लोकार्पण किया जाएगा और भूमि पूजन होगा। 321 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी आज दी जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन के दौरे पर रहने वाले हैं। 16 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे। 321 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी जनता को देंगे। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खरगोन के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 16 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करेंगे। और शबीर अहमद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शबीर, आज मुख्यमंत्री का दौरा है, क्या मिनट टू मिनट आज पूरे दिन उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान आज चौथी बार जो महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है, सबसे पहले उसका शुरुआत करेंगे। 9:45 पर इसका भोपाल में वो गुफा मंदिर के पास एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ से इसका शुभारंभ करेंगे। और यहाँ से वो सीएम शिवराज सिंह चौहान खरगोन दौरे पर जाएंगे, जहाँ पर जन कल्याण स्वराज अभियान के तहत लगातार सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही, कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और अलग अलग जिलों में जाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। और आज भी खरगोन वो पहुँचेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान वहाँ की जनता को कई सौगातें देने जा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो या फिर जिले से जुड़ी हुई है। तो कई ऐसी सौगातें सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता को देंगे जो जनता से जुड़ी हुई हो, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। चाहे वो रेगांव पहुंचे हों, टीकमगढ़ पहुंचे हों, पन्ना पहुंचे हों या सतना पहुंचे हों या फिर खंडवा पहुंचे हों, लगातार वो दौरे कर रहे हैं और जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत वो योजनाओं का जनता तक पहुंच भी रहे हैं और जनता से फीडबैक भी ले रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही है सरकार की योजनाओं की और किस तरीके से और प्रभावी तौर से जमीन पर सरकार की योजनाएं पहुंचना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर वो खुद 1-to-1 जनता से चर्चा कर रहे हैं और कहीं पर भी कमी देखने को मिलती है तो वहीं अधिकारी को मंच से ही फटकार लगाते हैं और कार्रवाई के भी निर्देश देते हैं। ठीक है, ठीक है शबीर, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।